झारखंड और देश विदेश के खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। भारत के रेल मंडल ने विकसित किया देश का पहली पीपीपी मॉडल गुड्स से फ्रेट सेवाओं में इजाफा का दावा। देश में लोडिंग के मामले में पिछले साल नंबर एक के पायदान पर खड़े धनबाद रेल मंडल इस बार कोरोना की वजह से पिछड़ गया है, पर नंबर वन का तमगा इसके सिर पर फिर से बंध गया है। पीपीपी मॉडल पर गुड्स शेड विकसित करने की अभी जहां देश भर में तैयारी चल रही है, वहीं धनबाद डिवीजन ने गुड्स शेड विकसित भी कर लिया है। सीआईसी सेक्शन के महत्वपूर्ण रोड साइड स्टेशन भुरकुंडा में ग्रीन फील्ड गुड्स शेड का निर्माण पूरा कर लिया गया है। डीआरएम आशीष बंसल ने ट्वीट पर इससे जुड़ी जानकारी भी शेयर की है। यह खबर है गिरिडीह से, समस्याओं को मजबूती से उठाएं झामुमो कार्यकर्ता, विधायक का कहना है जनता की समस्याओं को लेकर मुकर रहे जनता के जायज सवाल का जवाब नहीं देने वाले पदाधिकारी की खैर अब नहीं होगी, उन्होंने जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। ये बातें झामुमो विधायक सुधीर कुमार सोनू ने मंगलवार को करहरबारी में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। बैठक में सदर प्रखंड को 15 पंचायतों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं ने अपनी शिकायतों और समस्याओं को पार्टी पदाधिकारी के समक्ष रखा। सीसीएल से विस्थापित हुए लोगों का भी मामला उठा। इस क्रम में कई पुराने कार्यकर्ता पुनः झामुमो में शामिल हुए। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने जुड़े दल बदल मामले में स्पीकर द्वारा स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट अब इस मामले में करेगी सुनवाई। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री व भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में झारखंड विधायक अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने स्वतः संज्ञान से जारी नोटिस पर लगी रोक को झारखंड हाईकोर्ट ने कल मंगलवार को हटा दिया, लेकिन स्पीकर के स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार के संवैधानिक वैध के बिंदु पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई 2 मार्च को होगी। झारखंड में फोन पर फिरौती मांगने वाले अपहरणकर्ता को पुलिस ने दबोचा, छात्र की सकुशल बरामद। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। रामगढ़ जिले के रजरप्पा पुलिस ने 7 वर्षीय छात्र ओम कुमार के अपहरणकर्ता को रजरप्पा मंदिर के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही छात्र को भी सकुशल बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ता ने छात्र के परिजन से फोन कर 8.5 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी। इसके बाद परिजनों ने टांडवा पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और आखिरकार कॉल ट्रेस कर छापेमारी की। इसके बाद अपहरणकर्ता को पुलिस ने दबोच लिया। खबर है जमशेदपुर से, जेट का रिजल्ट जारी। जमशेदपुर के 50 विद्यार्थी सफल रहे, इस तारीख तक रहेगा स्कोर का मान्य। जेवियर्स एसोसिएशन ऑफ मैनेजमेंट की ओर से लिए जाने वाले जेट का रिजल्ट सोमवार को जारी किया गया है। इसमें जमशेदपुर के करीब 50 विद्यार्थियों का चयन अगले राउंड के लिए किया गया है। इसमें सोमवार की देर रात तक मिली जानकारी के अनुसार NIIT जमशेदपुर के पूर्व छात्र शुभम चटर्जी को 99.91% हासिल हुए हैं। संभवतः सूबे में सबसे अधिक परसेंटाइल शुभम के ही हैं। खबर है जमशेदपुर से, फिजिकल कोड को लेकर जमशेदपुर बार एसोसिएशन की आम सभा आज, खींचा जाएगा खाका। जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में फिजिकल कोड शुरू किए जाने को लेकर जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन की आम सभा 20 जनवरी को बार भवन में होगी। इसमें सभी सदस्यों से शामिल होने का आग्रह किया गया है। खबर है रांची से, झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण का सीएम हेमंत सोरेन का ये है मेगा प्लान। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। झारखंड में उग्रवाद नियंत्रण के लिए राज्य के हेमंत सोरेन सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार का प्रयास है कि मुख्यधारा से भटके लोग वापस समाज की मुख्यधारा से जुड़कर राज्य के नवनिर्माण में सहयोग करें। इसके लिए नक्सलियों का आत्मसमर्पण का विकल्प और उन्हें बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुनरमंद बनाने का पहल भी की जा रही है। वर्ष 2020 में सरकार ने विभिन्न उग्रवादियों संगठन के सरेंडर करने वाले 14 उग्रवादियों को प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति के तहत पुनर्वास अनुदान की राशि देने का प्रस्ताव को स्वीकृत भी किया है। पर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से कांग्रेस में फिर उठी चुनाव की मांग। सिब्बल के मुखर होने से हाई कमान पर बड़ा दबाव। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की असंतुष्ट नेताओं के साथ बैठक के बावजूद अभी पार्टी में असंतोष के बादल नहीं छटे हैं। पिछले दिनों हुई इस बैठक के बाद अभी तक पार्टी में खामोशी छाई हुई है, मगर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री
कपिल सिब्बल ने एक बार फिर पार्टी में चुनाव का मुद्दा उठाया है। सिब्बल के मुखर होने से पार्टी के आंतरिक चुनावों को लेकर हाईकमान पर एक बार फिर दबाव बढ़ गया है। पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव की तैयारियां चल रही है, मगर सिब्बल ने इस मुद्दे पर मुखर होकर प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ा दिया है। चीन ने सिर्फ गांव ही नहीं, मिलिट्री बेस और अरुणाचल के बीजेपी सांसद तापिर गाओ ने कांग्रेस पर ऐसे किया पलटवार। अरुणाचल प्रदेश में चीन द्वारा एक गांव को बसाए जाने की रिपोर्ट पर भारत में सियासत तेज है। भाजपा सांसद तापिर गाओ के दावों पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि क्या सरकार चीन को एक और क्लीन चिट देगी। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद तापिर गाओ ने पलटवार किया है और कांग्रेस से पूछा कि 80 के दशक से चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है, फिर कांग्रेस ने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने जारी की खेती का खून बुकलेट, कहा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से नहीं डरता। 3 नए कृषि कानूनों को लेकर करीब 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने खेती का खून नाम से एक बुकलेट जारी की है। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया है कि ये कानून किसानों के लिए कितने नुकसानदायक है। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि मैं पीएम मोदी या बीजेपी से नहीं डरता हूँ। पड़ोसी देशों के राजनेताओं ने कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कोरोना महामारी के खिलाफ आखिरी वार करते हुए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया है। भारत में बनी दोनों वैक्सीन पूरे देश में लाखों लोगों को लगाई जा चुकी है और लगातार लगाई जा रही है। इस उपलब्धि के लिए पूरा विश्व भारत की प्रशंसा कर रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के राजनेताओं ने भी कोविड-19 के खिलाफ 16 जनवरी 2021 को टीकाकरण अभियान के सफल शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को शुभकामनाएं दी है। मोरारजी देसाई के बाद सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का प्रमुख बनने वाले नरेंद्र मोदी बने दूसरे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। सोमवार को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ऑनलाइन बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अध्यक्ष चुना गया। इसके पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। बैठक में पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। दंगाबाज नक्सलियों से ज्यादा खतरनाक बीजेपी के लिए दीदी ने और क्या क्या कहा जानिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल पुलुरिया में रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। ममता बनर्जी एक्ट्रेस सयानी घोष के बचाव में उतर आई है। उन्होंने कहा कि सयानी घोष मेरी ग्रैंड बेटी की तरह है। बता दें कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मीम शेयर करने के बाद बंगाली अभिनेत्री सयानी घोष के ऊपर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है, जिसके बाद भाजपा नेता और मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत राय ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। हालांकि सयानी ने अपनी सफाई में कहा कि ये ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी या तो मानिए या फिर छोड़िए, सरकार ने मांगा जवाब। इन दिनों व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी सुर्खियों में खूब छाई हुई है। वहीं इस नई पॉलिसी को लेकर अब केंद्र सरकार भी मैदान में उतर आई है। इस पॉलिसी पर चिंता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस प्राइवेसी पॉलिसी के मसले पर व्हाट्सएप के CEO को पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए सरकार ने जहां व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने की बात कही है, तो वहीं इस पॉलिसी से जुड़े कई सवाल भी पूछे हैं। भारत सरकार ने व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को लेकर कहा कि वह अपनी गोपनीयता शर्तों में किए गए बदलावों को वापस ले, क्योंकि कोई भी एक तरफा बदलाव उचित और स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। क्या तांडव जैसी वेब सीरीज एंटी हिंदू एजेंडा के तहत बनाई गई है, सर्वे में मिला चौंकाने वाला जवाब। अमेजन प्राइम पर आई तांडव नामक वेब सीरीज को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर ट्विटर पर तांडव बैन हैशटैग भी ट्रेंड हुआ है। लोगों की शिकायतों के बाद सरकार ने भी इस पर अब अमेजन प्राइम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। वहीं देश के कई जगहों से तांडव के कलाकार और निर्देशकों को लेकर शिकायत दर्ज होने की खबरें सामने आई है। ऐसे में बढ़ते विवाद के बीच
जब न्यू रूम पोस्ट की तरफ से इस वेब सीरीज को लेकर सर्वे किया गया और लोगों से पूछा गया कि क्या तांडव जैसी वेब सीरीज एंटी हिंदू एजेंडा के तहत है, तो लोगों ने इस पर सवाल के जवाब में जो जवाब दिया है वो तांडव के निर्माता निर्देशक को जरूर जानना चाहिए। बता दें कि तांडव पर सिर्फ हिंदू धर्म को गलत तरीके से दिखाने का आरोप नहीं बल्कि अब उस पर पुलिस को भी गलत तरीके से सीरीज में दिखाने का आरोप है। मोदी की दाढ़ी बाल का पश्चिम बंगाल से कनेक्शन, इसलिए रखा टैगोर जैसा लुक। पश्चिम बंगाल की सियासत इन दिनों भाजपा और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तीखी होती जा रही है। जंग के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का नया लुक भी खासी चर्चा का विषय बना हुआ है। पश्चिम बंगाल का सियासी रण जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी को जोर लगा दिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री का ऐसा लुक भी लोगों का खास ध्यान खींच रही है। बंगाली अस्मिता के प्रतीकों में गुरुदेव टैगोर का स्थान सर्वोपरि माना जाता है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने नए लुक का पश्चिम बंगाल कनेक्शन खूब खोजा जा रहा है। बातचीत हुआ नाकाम लेकिन सरकार ने गिनाए किसानों के फायदे वाले अपने सभी काम। सरकार और किसानों के बीच होने वाली कल की बातचीत टल गई, अब ये बातचीत आज होगी। अब भी किसानों की ये मांग है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हालांकि किसान ये भी कह रहे हैं कि 26 जनवरी पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में वो किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। इधर सरकार किसानों के लिए उठाए गए अपने कामों की फहरिस्त जारी की है, ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार को किसानों को ख्याल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के 6 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों को जारी करेंगे 2691 करोड़ रुपए की सहायता राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12 बजे उत्तर प्रदेश के 6.1 लाख अभ्यर्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि जारी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। खबर विदेश से, अप्रवासियों के लिए नागरिकता संबंधी बिल पेश करेंगे बाइडन, 1.10 करोड़ लोगों को मिलेगी नागरिकता। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन अपने प्रशासन के पहले दिन एक प्रवासन विधेयक पेश करने की योजना बना रहे हैं। इस विधेयक में देश की कानूनी दर्जे के बिना रह रहे करीब 1.10 करोड़ लोगों को 8 वर्ष के लिए नागरिकता देने का प्रावधान होगा। यह आवर्जन विधेयक ट्रंप प्रशासन की कड़ी आवर्जन नीतियों के विपरीत होगा। इमरान के गले की हड्डी बना फॉरेन फंडिंग केस, विपक्ष का आरोप, यह पाक की राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्षी दलों को फॉरेन फंडिंग केस बड़े हथियार के रूप में मिल गया है। विपक्षी दलों के संगठन पीडीएम ने अब इस मामले में इमरान खान की घेराबंदी तेज कर दी है। पीडीएम के प्रमुख फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान के राजनीति के इतिहास में यह अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अब खबर खेल जगत से, टीम इंडिया ने तोड़ा 70 साल पुराना रिकॉर्ड, ब्रिस्बेन में दर्ज की सबसे बड़ी जीत। भारतीय क्रिकेट टीम ने ब्रिस्बेन में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया है। भारत को जीतने के लिए 328 रनों की मुश्किल लक्ष्य मिला था जो उसने मैच के आखिरी दिन 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीसीसीआई का ऐलान, चैंपियन टीम के इंडिया को 5 करोड़ रुपये बोनस, आईसीसी रैंकिंग में धूम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत के साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी बरकरार रखने के लिए 5 करोड़ रुपये बोनस देने की घोषणा की है। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए मंगलवार का दिन रोमांचक रहा। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भारतीय टीम ने ब्रिस्बेन में 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद भारतीय टीम ने आईसीसी की रैंकिंग में बढ़त हासिल की है। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।